गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आप लोगों का सेकेंड ईयर थर्ड सेम का जो जुलॉजी का पेपर है जो आपको पढ़ाया जाएगा उसका टॉपिक है मोलिकुलर बायोलॉजी बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स जिसका कोर्स कोड है बी ज़ीरो फाइव जीरो थ्री ज़ीरो वन टी इसमें जो आपका जो सिलेबस है ये एट यूनिट में डिवाइड किया गया है जिसमें सबसे पहले यूनिट देख रहे हैं आप जिसमें सबसे पहले यूनिट है प्रोटीन सिंथेसिस फर्स्ट प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ जीन आर एन ए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड मशीनरी फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इनिशिएशन इलोंगेशन टर्मिनेशन ऑफ़ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में बताया जाएगा उसके बाद आती है सेकेंड यूनिट सेकेंड यूनिट में आपका प्रोटीन सिंथेसिस सेकंड, इसमें प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन पहले में ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड में ट्रांसलेशन इसमें जेनेटिक कोड, राइबोसोम्स, ट्रांसलेशन में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं उनके बारे में अमिनो ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर आरएनए आइडेंटिटी एक्सेट्रा इनिशिएशन इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों सेल्स में बताया जाएगा नेक्स्ट थर्ड यूनिट में आएगा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन वन तो इसमें ई e. कोलाई और उसके साथ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स रोल ऑफ प्रोमेटिन इन जीन एक्सप्रेशन और प्रोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कैपिंग स्प्लाइसिंग पॉली एडिनाइलेशन, आर एन एडिटिंग ये सब पढ़ाया जाएगा थर्ड यूनिट में फोर्थ यूनिट में आपका आएगा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैसे जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं तो इसमें यूकैरियोट्स जीन एक्सप्रेशन यूकैरियोट्स में किस तरह से होता है रेगूलेश रेगुलेट उसके बारे में बताया जाएगा और ये ट्रांसलेशनल लेवल पर और पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पर कैसे होता है और इंटर इंट्रा सेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन के बारे में बताया जाएगा ये चार यूनिट हो गई आपकी इसके बाद फिफ्थ यूनिट में जो आएगा वो प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स बायोटेक्निक्स भी है ना इसमें तो इसमें माइक्रोस्कोप से रिलेटेड सभी जानकारी कितने टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं और जैसे फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी कन्फोकल माइक्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इनके बारे में डिटेल में विद डायग्राम और क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं कैसे ये वर्क करता है उसके बारे में बताएगा फिर नेक्स्ट यूनिट में सिक्स यूनिट में सेंट्रीफ़्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी के बारे में पता जाएगा सेंट्रीफ़्यूगेशन के प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ़्यूज और क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी होती है उसके